वेलकम बैक टू माई न्यू वीडियो। एंड इस टाइम मैं खड़ी हूँ सेक्टर 102 में द्वारके एक्सप्रेसवे के गुड़गांव में। तो यहाँ पर मैं कवर करने वाली हूँ अबाउट टू बी रेडी टू मूव हाउसेस। तो इसका मतलब बहुत जल्दी ये घर आपको तैयार होकर मिल जाएंगे या फिर आप यहाँ पर इन्वेस्ट कर सकते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन हाउस में भी। तो हम बात कर रहे हैं शाहपुर पलोंजी जॉय विले की सेक्टर 102 गुड़गांव द्वारका एक्सप्रेस वे से। अगर लोकेशन की बात की जाए तो DLF साइबर सिटी पहुंचने में आपको लगेगा अप्रॉक्स 30 मिनट्स का टाइम। IGI एयरपोर्ट विल टेक अप्रॉक्स 40 मिनट्स ऑफ टाइम। यहाँ से सिर्फ 1.5 किलोमीटर पे है DPS स्कूल। नियरेस्ट हॉस्पिटल की बात की जाए तो दैट इज कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल। इट विल टेक अप्रॉक्स 20 मिनट्स ऑफ टाइम। द्वारका एक्सप्रेसवे विच इज एक्सपेक्टेड टू बी रेडी बाय 2023। अगर यहाँ से दिल्ली बॉर्डर की डिस्टेंस की बात की जाए तो ये है सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर, और इस प्रोजेक्ट से द्वारका एक्सप्रेसवे की डिस्टेंस है सिर्फ 1.5 किलोमीटर की। Now on my back side, this is the legacy wall of Shahpur Palonji. So this is a construction company जो कि पिछले 150 सालों से construction का काम कर रही है, and this company has been the best company in India and across world. Now this is the model of Joy Vile project from Shahpur Palonji. तो ये जो टोटल प्रोजेक्ट है इसका साइज है 18 एकर का, और 18 एकर्स में से दे हैव टेकन केयर ऑफ योर हेल्थ एंड वेलबींग ऑल्सो, क्योंकि 3 एकर में सिर्फ पार्क एरिया बन रहा है। प्रोजेक्ट के जितने भी कॉमन एरियाज रहेंगे वहां पर होगा एयर प्यूरिफायर भी। ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है जहां पर आपकी खुशियों का ध्यान रखा गया है, बिकॉज प्रोजेक्ट का नाम ही है जॉय विले। यहां पर आपको मिलेगी 31 फैसिलिटीज, टोटल 31 फैसिलिटीज ऐसी मिल रही है जो कि सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफस्टाइल के लिए होगी। इस प्रोजेक्ट का टोटल क्लब साइज है 24,000 स्क्वायर फीट का, लेकिन जितने भी टावर्स हैं उनके अंदर आपको ग्राउंड फ्लोर पर मिलेगा एक पॉकेट क्लब भी। तो टोटल मैं अगर साइज की बात करूँ तो क्लब साइज बन जाता है अप्रॉक्स 65,000 स्क्वायर फीट का। जो पॉकेट क्लब है उसमें होंगी कुछ ऐसी फैसिलिटीज जो कि हर टावर के साथ मिलेंगी। इसमें जो कॉमन फैसिलिटीज होंगे उसमें है टॉट लॉट एरिया, एक्टिव एंड पैसिव रिक्रिएशनल स्पेस एंड ओपन जिम। इसके अलावा जो ये क्लब हाउस है जो आप सामने देख रहे हैं, तो इस क्लब हाउस में होगा योगा टेरेस, स्क्वॉश कोर्ट, थिएटर रूम, बैंक्वेट हॉल, स्केटिंग रिंक एंड किड्स प्ले एरिया फॉर योर किड्स, इंडोर गेम्स रूम, बिजनेस सेंटर, कैफेटेरिया, एरोबिक्स, स्विमिंग पूल, जिम एंड पार्टी टेरेस। अपार्ट फ्रॉम दिस इंडोर गेम्स रूम्स एंड पूल टेबल। अब बात कर लेते हैं 3 एकड़ के साइज की जो कि एलोकेट किया गया है सिर्फ पार्क के लिए। तो ये जो पार्क है इसमें अलग अलग एमिनिटीज दी गई है, जैसे एमपी थिएटर, स्टेप गार्डन, क्रिकेट पिच, फार्म गार्डन, सीनियर सिटीजन्स पार्क, मेडिटेशन पैड्स एंड फॉर योर किड्स मेज गार्डन, एंड लास्ट इज मल्टी यूटिलिटी गेम्स एरिया जिसे इन्होंने बोला है पंचतत्व पाथवे। दिस वॉज ऑल अबाउट द क्लब ऑफ जॉय विले प्रोजेक्ट। नाउ इट्स टाइम टू विजिट द सिंपल अपार्टमेंट ऑफ जॉय विले। फ्रॉम हेयर जॉय विले सिंपल अपार्टमेंट स्टार्ट्स। उससे पहले हम बात कर लेते हैं इसके साइज की। तो ये है 3 BHK और इसका जो सुपर एरिया है वो है 1852 स्क्वेयर फीट। इसका जो कारपेट एरिया है 1128 स्क्वायर फीट। दिस इज द वीडियो डोर फोन फॉर योर सेफ्टी। तो यहाँ से स्टार्ट हो जाता है मेन अपार्टमेंट। दिस इज द एरिया जो आपका फोयर एरिया है और जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर कंसोल डेको। जैसे ही आप एंटर करते हैं आपके लेफ्ट में है डाइनिंग एरिया एंड स्ट्रेट है आपका लिविंग एरिया। नाउ दिस इज द साइज ऑफ योर लिविंग एरिया, दिस इज द कंप्लीट साइज। अब जब आप सिंपल अपार्टमेंट देखते हैं तो बेनिफिट ये रहता है कि वहाँ पर आपको सोफा, सिटिंग चेयर एंड टीवी यूनिट एंड ऑल द फर्नीचर सब कुछ उसके अंदर होता है, एंड उसके बाद आप एक फेयर आइडिया ले पाते हैं कि इतना स्पेस आपको मिलने वाला है सब कुछ रखने के बाद। एंड ऑन माई राइट साइड दिस इज द डाइनिंग एरिया स्पेस। तो यहाँ पर होने वाली आपकी बालकनी जिसका जो एंट्रेंस है यहाँ आपके डाइनिंग एरिया से भी होगा और जो फर्स्ट बेडरूम है वहां से भी होगा। ऑन माई राइट साइड फ्रॉम हेयर द फर्स्ट बेडरूम स्टार्ट। दिस इज द टोटल साइज ऑफ योर फर्स्ट बेडरूम। सेम वुडन फ्लोरिंग यू आर गोइंग टू गेट। दीज आर द विट्रीफाइड टाइल्स। तो ये फ्लोरिंग मिलेगी आपको
in other part of the house and wooden flooring will be there in all bedrooms. So जैसे ही आप first bedroom में जाते हैं, on your right side this is the washroom which is attached. Now in washroom glass will not be part of it. So ये एक space है या ये एक window है and this is of big size to give natural sunlight in your room. और आप इसको खोल भी सकते हैं. तो यहां से मेरे लेफ्ट साइड स्टार्ट हो जाती है बालकनी, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं इस फर्स्ट बेडरूम से और डाइनिंग एरिया से. ये है टोटल साइज आपकी बालकनी का. ये है फर्स्ट बालकनी. इसमें यहां पर ग्लास लगाया गया है, लेकिन ये आपको ओपन एरिया मिलेगा जैसे बालकनी में होता है. Now it's time to see this extra space जो आपको यहाँ पर मिल जाता है, जो आप यूज कर सकते हैं फॉर योर इंडोर प्लांट्स और डेकोरेटिव. यहाँ पर इन्होंने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखा है, जैसे ये है जियो फाइबर जो आपको आपके घर के साथ मिलेगा. मेरे राइट में है डाइनिंग एरिया और आप मेरे लेफ्ट में देख रहे हैं यहाँ से स्टार्ट होती है किचन. इस किचन में जैसे फ्रिज है, माइक्रोवेव है, ये सब आपके किचन के साथ नहीं मिलेगा. यहाँ पर आपको मिलेगा ये सारे कैबिनेट सेम मिलने वाले हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी मॉड्यूलर किचन. अपर कैबिनेट नहीं मिलेंगे. दिस इज ऑल्सो नॉट पार्ट ऑफ योर किचन एंड दिस अपर कैबिनेट अगेन इज नॉट गोइंग टू कम विथ योर किचन. तो आपको मिलेगा चिमनी, हॉब एंड लोअर ऑल स्टोरेज. दिस इज स्पेसियस किचन एंड नाउ इसके एडजेसेंट, इसके साथ में ही है ये बालकनी, जिसको आप एज अ वॉश एरिया यूज कर सकते हो. दिस वॉशिंग मशीन इज नॉट पार्ट ऑफ योर अपार्टमेंट. पर्सनल क्लोजेट एरिया, वार्डरोब्स आपको नहीं मिलेगी, लेकिन ये एरिया मिलेगा ताकि आपकी सारी वार्डरोब्स यहाँ पर एडजस्ट हो सके और आपका बेडरूम का स्पेस जैसे आप देख रहे हैं वैसे ही आपको मिल सके. एंड मेरे लेफ्ट में है अटैच्ड वॉशरूम मास्टर बेडरूम के साथ. तो ये था ब्यूटीफुल सा सिंपल अपार्टमेंट 3 BHK फ्रॉम शापुरजी पलोंजी जॉय विले. अब बात कर लेते हैं साइजेस की. तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट साइजेस हैं और डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर ले सकते हैं आप अपने घर का पोजीशन, क्योंकि अलग अलग फेज हैं. तो अगर मैं फर्स्ट फेज की बात करूँ तो इसमें आपका घर तैयार होकर मिल जाएगा बाय दिसंबर 2022. और अगर मैं सेकेंड फेज की बात करूँ तो उसका पोजीशन आपको मिल जाएगा दिसंबर 2023. और अगर थर्ड फेज की बात की जाए तो उसका पोजीशन आपको मिलेगा बाय जुलाई 2024. तो अलग अलग फेज में अलग अलग पोजीशन टाइप है. अब बात कर लेते हैं साइजेस की. तो यहाँ पर आपको तीन ऑप्शन मिलते हैं, 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK. तो यहाँ पर जो मिनिमम साइज स्टार्ट हो रहा है वो है सुपर एरिया 915 स्क्वायर फीट. बहुत सारे साइजेस के आपको ऑप्शन
मिलेंगे। तो सबसे बड़ा जो साइज है यहाँ पर अवेलेबल 4 BHK में वो है सुपर एरिया 2182 स्क्वायर फीट 2182 स्क्वायर फीट। अगर टावर हाइट की बात की जाए तो अलग अलग फेज में अलग अलग आपको हाइट मिलेगी। इट स्टार्ट्स विद G+14 फ्लोर, G+18 एंड लास्ट इज G+26 फ्लोर। यहाँ पर प्राइस स्टार्ट हो रहा है 1.34 CR से। मास्टर बेडरूम के साथ अटैच वॉशरूम है, उसमें होगा सोलर वाटर हीटर, पूरे घर में आपको मिलेंगे हिटाची के AC। तो ये कंप्लीट डिटेल ऑफ शाहपुर जी पलोनजी जॉय विले प्रोजेक्ट फ्रॉम द्वारका एक्सप्रेसवे। अगर आप करना चाहते हैं यहाँ पर घर बुक या फिर आप विजिट करना चाहते हैं इनके सिंपल अपार्टमेंट को, एक्चुअल साइट को, तो मेरा नंबर है आपकी स्क्रीन पे, आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, गुड़गांव के सभी प्रोजेक्ट्स मैंने कवर किए हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हो गुड़गांव प्रॉपर्टीज की प्लेलिस्ट में, एंड लिंक है ऊपर। आप लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल ताकि ऐसी वीडियोस आप तक हमेशा टाइम पर पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रोजेक्ट के साथ। बाय बाय।